हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी गूगल पे यूज़ करते हो और दोस्तों गूगल पे से अपना नेम चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप गूगल पे पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो उस टाइम जो भी आप अपना जीमेल अकाउंट गूगल पे से लिंक करते हो तो आपने जो भी जीमेल अकाउंट पर अपना नेम सेट कर रखा होता है वही नेम आपका गूगल पे पर शो होता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपना गूगल पे से नेम चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गूगल यानी कि जीमेल अकाउंट में जाके अपना नेम चेंज करना होता है, तभी आप जो यहाँ पर गूगल पे पर अपना नेम चेंज कर पाओगे। दोस्तों आपको गूगल पे पर इस तरह की कोई सेटिंग्स देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि आप यहाँ पर अपना नेम चेंज कर सको। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपना गूगल पे से नेम को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि मेरा अभी जो नेम शो हो रहा है इंडियाज गॉड्स एक्स वाई। तो दोस्तों मैं आपको इसको चेंज करके बताऊंगा कि किस तरह जो आप यहाँ पर अपने गूगल पे से नेम को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी कोई आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करता है तो आपका जब भी मोबाइल नंबर एंटर करता है तो वहाँ पर आपका जो कुछ भी आपने जो भी जीमेल अकाउंट पर नेम सेट कर रखा है वही नेम शो होता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर निकल जाना है और यहाँ पर आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है myaccount.google.com। इसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप यहां पर पहुंच सकते हो। तो मैं यहां से इसको सर्च कर लेता हूं, ठीक है। जैसे दोस्तों आप यहां से सर्च करोगे तो आपका गूगल अकाउंट जो यहां से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहां पर आपको अपने जीमेल अकाउंट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ से उस जीमेल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ जिस पर जो मैंने अपने गूगल पे को लिंक कर रखा है। तो यहाँ से मैं अपने जितने भी जीमेल अकाउंट है यहाँ से ओपन हो जाएंगे और मैं यहाँ से उस अकाउंट को चूज कर लेता हूँ जिस पर मैंने अपने गूगल पे को लिंक कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि वेलकम इंडियाज गॉड्स एक्स वाई। तो दोस्तों यहाँ से आपको नेम को चेंज कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ से नेम को चेंज करोगे तो गूगल पे से ऑटोमेटिकली जो है आपका नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल इन्फो का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोफाइल से रिलेटेड। आप यहाँ से अपना नेम, बर्थडे, जेंडर, मोबाइल नंबर आदि चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप दो तरीके से अपना नेम चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ईमेल का, तो यहाँ पर आपका जो भी ईमेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया विंडोज़ ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा अबाउट मी ईमेल्स का, तो यहाँ पर आपको एड अबाउट मी ईमेल पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से अपना नेम, जेंडर आदि चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली मेरा नेम यहाँ पर शो हो रहा है उस पर मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपना नेम चेंज कर सकते हो, साथ ही अगर कोई आप अपना निक नेम रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। और डिस्प्ले पर दोस्तों अगर आप अपना नेम अलग चेंज करके रखना चाहते हो तो भी आप यहाँ से चेंज करके रख सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना नेम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो भी नेम रखना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना नेम चेंज कर देता हूँ। तो फर्स्ट नेम में मैं अपना जो नेम है वो यहाँ पर डाल देता हूँ और लास्ट नेम में मैं अपना यहाँ पर सरनेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर अपना नेम डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका नेम जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपने जो यहाँ पर नेम चेंज किया था उसी प्रकार से आपका डिस्प्ले पर जो नेम शो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। सो गाइज, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अपना नेम चेंज कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक चले जाना है। सो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो नेम चेंज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अगर दूसरे तरीके से भी नेम को चेंज करना तो आपको यहाँ से बैक चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन देखने को मिलता है नेम का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप अपना नेम डाल के चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर नेम डाल के सेव पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों 10 से 12 घंटे के अंदर जो आपका गूगल पे पर जो भी नेम है वो चेंज हो जाएगा। आप जो भी नेम यहाँ पर डालोगे वही नेम आपका गूगल पे पर शो करेगा। अभी दोस्तों मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से अपने गूगल पे को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने जो पहले नेम सेट कर रखा था वही यहाँ पर अभी शो हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होता है, यानी कि दोस्तों जब भी आप जीमेल अकाउंट पर अपना नेम चेंज करते हो तो उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे वेट करना होता है। तो जैसे ही 10 से 12 घंटे के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका गूगल पे पर जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने गूगल पे
पर नेम को चेंज कर सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह दोस्तों आप जीमेल अकाउंट में अपने नेम को चेंज करके गूगल पे पर अपने नेम को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल MR टेक्नोदेव पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।